हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम लोग आलू और भिंडी की सूखी सब्जी बनाएंगे, क्योंकि अभी भिंडी का सीज़न आ गया है। भिंडी का बहुत तरीके से सब्जी बनता है, तो उसमें से एक आप लोगों को मैं सूखी सब्जी बनाने बताऊंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी और आलू को मैंने धो लिया है, उसको हम लोग काट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे साइज़ में मैंने काट लिया है। आलू को भी मैंने थोड़े पतले साइज़ में काट लिया, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है, इसलिए पतले साइज़ में मैंने काटा है। अब प्याज को मैंने काट लिया है। मसाले में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन लिया है, आधा चम्मच से भी कम है। यहाँ जीरा लिया है, थोड़ा सा गोल के ही है, और थोड़ा सा राई मैंने लिया, आधा चम्मच से भी कम है। तीखे के अनुसार मिर्च है। तो चलिए, हम लोग तेल मैंने गर्म होने रख दिया था। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम लोग भिंडी को सारा डाल देंगे, भिंडी को अच्छी तरह से भूंज लेंगे। चलिए, भिंडी को हम लोग अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो ही रहेगा, ऐसे में हम लोग को भिंडी को अच्छी तरह से भूनना है। तो देख सकते हैं, अभी भिंडी भुंजा चुका है। भिंडी को भूनने में 5 से 7 मिनट मुझे लगा है, और देखिए भिंडी भुंजा चुका है। भिंडी इतना हम लोग को भूनना है कि वहाँ पर 60 से 70% अच्छी तरह से पक जाए। तो चलिए, हम लोग अब आगे का प्रोसेस करते हैं। पहले सारा भिंडी को हम लोग निकाल लेते हैं। अब हम लोग इसी कढ़ाई में और तेल डालेंगे। फिर हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें राई का फ़ौरन डालेंगे, क्योंकि भिंडी की सब्जी के लिए इसमें राई फ़ौरन बहुत अच्छा लगता है। और जब राई चटक जाए आपका, तब हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। तो चलिए, प्याज डाल के अब हम लोग प्याज को भूनते हैं अच्छी तरह से। तो देख सकते हैं, यहाँ पे प्याज लाल हो चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, आलू डाल देंगे और आलू के साथ ही भूनेंगे। तो थोड़ी देर हम लोग आलू को भूनते हैं। तो देखिए, यहाँ 3 से 4 मिनट मैंने आलू को भूंजा है, ये हल्का गुलाबी टाइप का हो गया है, यानी भूंजा चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, मसाला डालेंगे। तो इसमें मसालों जो मैंने आपको दिखाया था, वही मैंने पीस के मैंने यहाँ पे डाला है, और थोड़ा सा हम लोग इसमें पानी डाल देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भून जाए। अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें आधा चम्मच से भी कम मैंने हल्दी पाउडर डाला है, आधा चम्मच से भी कम मैंने यहाँ कश्मीरी मिर्च पाउडर डाला है, और यहाँ पे आधा चम्मच से कम यहाँ पे धनिया पाउडर हम लोग यहाँ पे डालेंगे, यूज़ करेंगे, और सभी को हम लोग अच्छी तरह से भूंजेंगे। और साथ ही में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर था, उसको मैंने काट लिया है। अब उसको हम लोग डाल के साथ ही में मसाले के साथ भूंजेंगे। तो देखिए, मसालों को भूनते हुए थोड़ी देर हो चुका है, मसाला लगभग हमने कि 60 से 70% भुंजा चुका है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, भिंडी डाल देंगे भुंजा हुआ, और हम लोग इसको भिंडी के साथ ही हम लोग भूंजेंगे ताकि मसाला भी भुंजा जाए, और मिट्टी भिंडी जो हल्का कच्चा है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। तो यहाँ पर आप इसको कवर करके भी भून सकते हैं। अब इसे कोई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका भिंडी लसलस करें, आप इसको आराम से भून सकते हैं। उससे पहले हम लोग यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। ढक ढक के भूनने से होगा कि भिंडी आपका मैं सब्जी अच्छी तरह से पक जाएगा और मसाला भी अच्छी तरह से भून जाएगा। तो देख सकते हैं, थोड़ी देर हो चुका है मुझे भूनते हुए। तो अभी आलू अभी अच्छे से पका नहीं है, तो अभी हम लोग थोड़ी देर भी और भूंजेंगे। देख सकते हैं, अभी आलू बहुत टाइट है, तो अभी हम लोग इसको और भूंजेंगे। तो हम लोग इसको कवर कर देते हैं। इसको बीच बीच में चलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नीचे चिपक सकता है।
देख सकते हैं अभी भी आलू नहीं पका है, तो हमने उसको अभी फिर से कवर करके हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे। हम लोग बीच बीच में इसी तरह चलाते रहेंगे। देख सकते हैं अब ये आलू अच्छे से कट जा रहा है, यानी आलू पक गया है, यानी भिंडी भी बहुत अच्छे तरह से भुन जा चुका है, पक चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। सब्जी अच्छे तरह से भुन जा चुका है, ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, जिसको हम लोग सर्व कर लेंगे। इसको आप पराठा चाहे दाल चावल के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। ये भिंडी का सीज़न है तो भी भिंडी को बहुत तरीके से बनाया जाता है, भिंडी ग्रेवी वाली भी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए भिंडी की सूखी सब्जी आप लोग इंजॉय करिए दाल चावल चाय रोटी के साथ। और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।